हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका किचन टैलेंटेड विद सीमा में। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा और चटाकेदार सा बेज रोल। जी बिल्कुल, इतना मज़ेदार, इतना बढ़िया, आप इसे घर में भी बना सकते हो। तो बनाना कैसे, चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर भी कर दे। तो चलिए, मैंने यहाँ पे गूंद लिया है सूजी को। सूजी मैंने नॉर्मल ले ली है और उसमें मैंने नमक डाल के सूजी को जो है थोड़ा सा पतला ही इसका डो जो है वो तैयार कर लेंगे और अब इसे हमें ढक के रख देंगे जिससे जिसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा सूजी अब्सॉर्ब कर ले। तो फ्रेंड्स मेरा तो बैठ बैठ के गला ही बैठ गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सूजी हमारी रेस्ट हो गई है, जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सारा जो है सूजी ने अब्सॉर्ब कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सूजी को हथेली की सहायता से 4 से 5 मिनट के लिए है जो अच्छे से मस लेंगे जिससे कि हमारी सूजी का जो डो है पूरा सॉफ्ट और चिकना हो जाए, जो दिखने में मस्त लगे। तो फ्रेंड्स पिछली वाली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई थी स्प्रिंग रोल, तो मैंने सोचा क्यों ना क्यों अब उसी चीज़ से, उसी मतलब रेसिपी से क्यों ना मैं बेज रोल भी आपको बना के बता दूं कि आप एक ही स्टेपिंग से दो दो चीज़ कैसे बना सकते हो। तो मैंने सेम उसी से और बेज रोल जो है वो बना दिया। तो मैंने यहाँ पे सूजी का जो है लोया बना लिया है और लोया सारा बना के मैंने एक साथ में रेडी रख दिया है और वही वाला स्टेप है हम यहाँ पे कर लेंगे। गैस को ऑन साथ में रख देंगे, कढ़ाई कढ़ाई में रख देंगे तेल और तेल हमारा अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारी 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई। अगर आपके पास घर में बच्चे हैं तो बिल्कुल भी ना डालें क्योंकि यहाँ पे मेरे भी बच्चे ने खा के मुँह जो है अपना जला लिया था, उसके लिए मैंने बहुत ही बच्चों को सॉरी सॉरी तो बोला था कि अगली बार नहीं डालूंगी, लेकिन गलती तो इंसानों से ही होती है। अब मैं यहाँ पर डाल दूंगी हरी मिर्च यानी सॉरी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च तो तीखी नहीं होती है तो आप वो थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 से 3 ही शिमला मिर्ची का प्रयोग किया है। यहाँ पे ले लिया है मैंने पत्ता गोभी, पत्ता गोभी को एकदम से बारीक कट कर लिया है और इसे भी तेल में 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगती है आपको मेरी रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके भी मुझे बता दिया करो जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पत्ता गोभी मैं 2 से 3 मिनट तक जो है भून लूँगी। तो फ्रेंड्स अभी तक देख लो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में कौन सा आपका अंगूठा घसता है, ना पैसे लगते हैं ना कुछ और लगता है यार, कोई गरीब का भलाई कर दिया करो सब्सक्राइब करके। हाँ तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू सब्सक्राइब के लिए। तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे काली मिर्च। काली मिर्च मैंने आधी चम्मच के लगभग डाली है, आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है सोया सॉस, तो सोया सॉस मैंने कम से कम 2 से 3 बड़ी छोटी चम्मच यहाँ पे डाली है। 2 चम्मच मैंने विनेगर डाल दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर सॉस। अगर आपके पास ग्रीन चटनी हो तो वो भी आप डाल सकते हो। तो मेरे पास तो नहीं भी थी, होती तो भी मैं नहीं डालती क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं, खाने में उन्हें दिक्कत होती है। तो अब यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट को जो है सारी सॉसेस को पका लेंगे जिससे इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे जो सॉसेस है वो अच्छे से पक चुकी है और अब हम डाल देंगे 1/4 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर। तो यहाँ पे और अब हम डाल देंगे 5 रुपये वाला पाउच लहसुन अदरक का। अगर आपके पास नॉर्मल है तो वो भी डाल सकते हो, मेरे पास तो नहीं था, छीलने भी कौन दिक्कत तो बड़ी होती है छीलने विलने में, तो मैंने सोचा क्यों ना 5 रुपये का पाउच अच्छा खासा मिलता है, लिया ही और डाल दिया। अच्छा ही काम है ना, रेडीमेड सब कुछ मिल जाता है, लिया और डाल दो, नो झंझट नो फंझट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैंने 1 मिनट के लिए मेरा जो अदरक और लहसुन का जो पेस्ट था उसे भी पका लेंगे, वरना कच्ची कच्ची स्मेल आती है, खाने में मज़ा नहीं आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक। नमक आपके थोड़े से सॉसेस में भी रहेंगे तो आप हिसाब से डालें, ये ना कि सॉस में नमक नहीं है क्योंकि हर सॉस में नमक रहता ही है। तो मैंने यहाँ पर नमक भी डाल दिया है और नमक डालने के बाद में अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम ले लेंगे पनीर। पनीर मैंने यहाँ पर लिए 100 ग्राम के लगभग और इन्हें काट लिया है लंबा लंबा। अगर आप पनीर नहीं भी डालना चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स देखा ना कितने मज़ेदार ये स्टेपिंग बनके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स इस स्टेपिंग को आप रोटी पराठा चावल किसी के भी साथ जो है एंजॉय कर सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल वो सिस्टम तो करने वाली नहीं हूँ, मैं बनाने वाली हूँ बेज रोल क्योंकि मैंने इसी स्टेपिंग से बनाई थी स्प्रिंग रोल जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो मैंने यहाँ पर ले ली एक छलनी और छलनी में मैंने सारी स्टेपिंग जो है वो डाल दी जिससे इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए और हमारी जो रोल में हम जो भरे वो पानी जो है निकले नहीं, यानी कि चिपचिपा सा ना लगे, अजीब सा ना लगे, रोल हमारा अच्छे से ड्राई बनके तैयार हो जाए। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा जितना भी पानी था वो सारा निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ले लेंगे सूजी वाला लोया जिसे मैंने के सूखा जो है मैदा लगा लिया है, मतलब आटा जो है वो लगा लिया, सूजी नहीं लगाई है, आटा ही लगाया प्लाथन में। तो इसे अच्छे से बेल लेंगे और बेल बेल के इससे बहुत ही ज़्यादा बेल लेंगे जिससे कि इसमें स्टेपिंग जो है अच्छे से भरी जाए और रोल भी खाने में अच्छा लगे, यानी कि हाथ में पकड़ना तो होना चाहिए ना, इतना बड़ा तो रोल होना ही चाहिए तभी तो उसे रोल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी बड़ा आकार दे दिया है इसको, आप हो सके जितना बड़ा आकार दे के इसे बेल लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए आप मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा रोल है जो बेज रोल है कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, खराब लगा कैसा, या आप इसे भी अच्छा बनाते हो तो आप मुझे कमेंट में कर बिल्कुल कह सकते हो।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम ले लेंगे नॉनस्टिक तवा। नॉनस्टिक तवे पे मैंने जो मेरी रोल वाली रोटी है वो डाल दी है और दोनों तरफ से रोटी को जो है अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए मेरी रोटी जो है हल्की हल्की पक चुकी है। तो फ्रेंड्स सारी रोटियों को हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे, मतलब सारे जो रोल हैं हमारे वो ऐसे ही तैयार कर लेंगे और बाद में जब हम रोल बनाएंगे तब इन्हें वापस तेल लगा के ऐसे, देखिए आप तेल लगा सकते हो, बटर लगा सकते हो, घी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने तो तेल ही लगाया, रिफाइंड तेल लगाया क्योंकि मुझे फेंकने की आदत नहीं है, मैं जो होता है मैं वही बोलती हूँ। तो मैंने यहाँ पर तेल लगा लिया और तेल लगा के हम इसे जो गोल्डन है कर लेंगे, जिससे कि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगे। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे रोल जो है ऐसे ही तैयार कर लूँगी तेल लगा लगा के। आप बटर का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अच्छे से इनको गोल्डन, हल्का गोल्डन कर लिया है। वैसे सूजी का है तो एकदम गोल्डन तो नहीं दिखेगा, लेकिन एक क्रिस्पी तो बड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लगा लेंगे तंदूरी मेयोनीज़। अगर आपको तंदूरी मेयोनीज़ घर पे कैसे बनाते हैं अगर आपको ये जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेके आऊँगी। तो देखिए मैंने जो स्टफिंग बनाई थी वो वाली इसमें हम डाल देंगे, कितनी अच्छी लग रही है। और फ्रेंड्स अब हम इसे दे देंगे रोल का शेप, तो देखिए कितनी अच्छी तरह से, वाह मज़ा ही आ गया पूछो मत। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम जो सिल्वर पेपर है उससे लपेट लेंगे भाई, जैसे इससे क्या होता है कि जो हमारा एक्स्ट्रा जो मसाला होता है नीचे से टपके नहीं, गिरे नहीं, क्योंकि बच्चे ऐसे ही खाते हैं, बच्चे क्यों बड़े भी ऐसे ही खाते हैं, जो मसाला है वो सारा निकल जाता है। तो इससे हम सिल्वर पेपर से पैक कर देंगे तो ये आसानी से अच्छी तरह से मतलब जो है खाया जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये मेरा बेस रोल तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, घंटे का बटन दबा दीजिएगा। आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।